हे गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर सेल्फ यूनिक। गाइस, आप सबको पता है कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जब बिल्डिंग एग्जीक्यूट होता है उससे पहले उसको प्लानिंग किया जाता है, उसकी मॉडलिंग की जाती है, उसकी एनालिसिस की जाती है, उसकी डिटेलिंग की जाती है, उसके बाद फाइनल इसको ड्राइंग क्रिएट करके और उसको पास करा के तब एग्जीक्यूशन होता है, राइट? ये तो सबको क्लियर होगा। तो कौन कौन से ऐसे चीजें सीखनी पड़ती है इन सारे प्रोसेस के लिए। मीन्स ऑफिस में बैठ के कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे मॉडलिंग कैसे कैसे करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे डिटेलिंग करते हैं, कैसे क्रॉस चेक करते हैं कि सब सही है कि नहीं, ये कौन कौन से ऐसी चीजें सीखनी पड़ती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप घर पर बैठे हो आराम से इस चीज को सीख सकते हो और सीखने के बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। अगर आपको जॉब करना है किसी भी कंपनी में, यार उसको जॉब कौन नहीं देगा जिसको पूरा का पूरा प्रोसेस ही पता है कि बिल्डिंग को प्लान कैसे करना है, मॉडल कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, डिटेलिंग कैसे करके देना है, जिसको पूरा प्रोसेस पता है उसकी जॉब तो फिक्स है ही है। उसके अलावा अगर आप दूसरे भी डोमेन में काम कर रहे हो, मीन्स आप साइट पर काम कर रहे हो या फिर किसी और जगह पर भी काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मुझे एक पार्ट टाइम अर्निंग मिल जाए, इस प्रोसेस को सीखने के बाद आप मॉडलिंग का फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, मतलब घर बैठ के मॉडल बना सकते हो, एनालिसिस का फ्रीलांसिंग वर्क करके दे सकते हो, प्लानिंग का फ्रीलांसिंग वर्क करके दे सकते हो, मींस काफी अर्निंग कर सकते हो अगर आपको ये सारे प्रोसेस पता है कि बिल्डिंग को बनाने से पहले क्या क्या किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं क्या क्या सीखना पड़ता है ऐसा, जिससे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमको कंप्लीट समझ में आ जाए और हम घर बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन पैसे भी अर्न कर सके या फिर किसी कंपनी में जाके, रेपुटेटेड कंपनी में जाके खुद को रिप्रेजेंट कर दे और सामने वाले को बोले कि हमको कंप्लीट वर्क आता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस चीज को। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस है कि बिल्डिंग को प्लानिंग कैसे करना है, मॉडलिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, डिजाइनिंग कैसे करना है, डिटेलिंग कैसे करना है, प्रोसेस तो मैं आपको बता रहा हूं, बट अगर ये पूरे प्रोसेस को आपको पढ़ना है, पूरी तरीके से डिटेल में समझना है, तो अपना एक कोर्स है ऑल इन वन, लगभग सारे बच्चों को पता होगा, ऑल इन वन 260 आवर्स का लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है, 260 घंटे का लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस ऑल इन वन में हमने आपको दे रखा है और उसका जो फी है बहुत ही नॉमिनल फी है, ओनली 6000। बट अभी ईद का टाइम है, इसलिए आप एक कोड यूज करेंगे ईद मुबारक का, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है और ये 3 मई तक डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। सो आप लोग भी चाहते हैं कि क्रॉस चेक करना कि भाई क्या क्या प्रोसेस होता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया लिंक, आप देख लीजिए, उसमें 12 से 15 लेक्चर्स फ्री है, पहले उनको देखिए, अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू करें, ना अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, फिलहाल अगर आपके पास 3000 भी पैसे की कमी, अगर आपको लगता है कि यार इतना भी मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि सीखना कैसे है इस चीज को। सबसे पहले इसको सीखने के लिए आपको पहले ऑटोकैड से अपने आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से? ऑटोकैड से, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब ऑटोकैड वो वाला मत सीखो जिसमें कि केवल कमांड्स पढ़ाते हैं, हमको कमांड्स की ज्यादा नीड नहीं है, हमको प्लानिंग आना चाहिए, हमको वास्तु का रूल आना चाहिए, हमको कॉलम के पोजीशंस रखना आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए बाउंड्री लाइन किस तरीके से खींचते हैं, हमको हैचिंग पता होना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रूल होता है, मींस बिल्डिंग बाय लॉ का जो रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लानिंग करते हैं। तो ये चीज पहले आप ऑटोकैड में सीखो, इसके अलावा रेरा का भी रूल सीखो, ये सब मैंने ऑल इन वन में भी दिया है, आप खुद से भी इस चीज को सीख सकते हो। उसके बाद क्या सीखना होता है? उसके बाद गाइस हम सबको सीखना होता है कि मॉडलिंग कैसे करनी है। मॉडलिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है रैबिट आर्किटेक्चर। क्या? रैबिट आर्किटेक्चर। उसके अंदर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप मॉडलिंग कर सकते हो, उसमें एक दो प्लगइन्स यूज कर लो लाइक इनस्केप या फिर वीरे, तो एक अच्छी रेंडरिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। देखो, जब तक मॉडलिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे, आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि मुझे एग्जैक्टली मैं आपको क्या बना के देने वाला हूं। सपोज आप मेरे पास आए और बोले कि सर मैं आपका ये मॉडल, मतलब ये घर तैयार करके दे दूंगा, तो मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आए कि आप कितना अच्छा कर पाओगे? तो आप बोलोगे सर बस एक दिन का टाइम दीजिए, कल मॉडल आपको दिखाता हूं। एक अच्छा सा मॉडल आपने रैबिट पर डिजाइन किया और कल मुझे आपने इंप्रेस करके प्रोजेक्ट ले लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रैबिट आर्किटेक्चर आना चाहिए। इसके बाद वो जो बिल्डिंग है वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, जैसा मॉडल बना है ऐसा बन पाएगा कि नहीं, इसके लिए इसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग स्टेटप्रो पे यूज करते हैं। स्टेटप्रो के अलावा उसके बाद उसके डिटेल ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हम लोग RCDC को यूज करते हैं। ये तो रही छोटी बिल्डिंग्स, अगर बड़ी बिल्डिंग्स है तो स्टेटप्रो में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ETABS। ETABS के अंदर पूरी की पूरी हाई रेज बिल्डिंग की एनालिसिस कर सकते हो और उसी का एक भाई है उसका नाम है सेफ, सेफ के अंदर उसकी फुटिंग और स्लैब के डिजाइन कर सकते हो। मतलब ETABS और सेफ पूरी तरीके से एक तरीके से कॉम्बिनेशन है पूरी बिल्डिंग को डिजाइन।
डिजाइन करने का। चलिए अच्छी बात है कि आपने ईटैप पे डिजाइन कर दिया, फिर स्टैट पे डिजाइन कर दिया, बट वो सही कर रहे हो कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको मैनुअल कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है, बीम का मैनुअल डिजाइनिंग, कॉलम का मैनुअल डिजाइन, फुटिंग का मैनुअल डिजाइन। जब मैनुअल डिजाइन में आपका नॉलेज अच्छा होता है तो डिजाइन अच्छी बनी हुई कि नहीं बनी हुई इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको मैनुअल डिजाइन सीखना पड़ता है। तो मैनुअल डिजाइन अगर आपने सीख लिया है तो लास्ट प्रोसेस जो होता है कि भाई सब ठीक है, आपने जो बनाया बहुत अच्छी बात है, बट क्या इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या कि जो कॉलम में स्टील लगा है सही है कि नहीं? तो उसके लिए आपको एक्सेल शीट की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सेल शीट पर हम डाटा को पुट करके कैसे रिपोर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेल शीट को कैसे बना सकते हैं। एक्सेल शीट से हम बहुत ढेर सारी कंपनियां, अभी भी इंडिया में ढेर सारी कंपनियां काम कर रही है। तो अगर आपके पास ये पूरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट अगर है, मींस किसी भी कंपनी में है, और अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अभी आप तो ट्रेंड आ गया है कि 3D रिटेलिंग करना है, तो उसके लिए आपको रेविट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप 3D रिटेलिंग कर सको। ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कैसे का एग्जीक्यूट होता है, थोड़ा सा समराइज करता हूँ। सबसे पहले कोई बिल्डिंग जब प्लान किया जाता है तो पहले ऑटोकैड पर उसको प्लान कर लेते हैं, फिर रेबिट आर्किटेक्चर पर उसको मॉडल कर लेते हैं। छोटा बिल्डिंग है तो उसको स्टेट प्रो पे, बड़ी बिल्डिंग है तो उसको ईटैप पे डिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद फुटिंग के डिजाइन के लिए स्टेट फाउंडेशन यूज कर लेंगे या फिर सेफ को यूज कर लेंगे। और उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए कुछ ही कंपनियां यूज करती हैं, मैनुअल कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैनुअल कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, और लास्ट जो वर्जन होता है होता है एक्सेल। और अगर किसी ने बोला मुझे 3D डिटेलिंग चाहिए तो उसको रेविट स्ट्रक्चर चाहिए। तो इस पूरे सीरीज को मैंने ऑल इन वन में समराइज किया है, 260 घंटे का लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है। इसमें हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट के अलावा सर्टिफिकेट भी ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के अलावा आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, सारे मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, लगभग 50 से ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं आपको, ढेर सारे रिसर्च पेपर दिए जाते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि केवल यहाँ पर स्टेट प्रो का कमांड्स नहीं पढ़ा जाता है, ईटैप का कमांड नहीं, ईटैप पढ़ोगे तो फुल डायनेमिक एनालिसिस का डिटेलिंग करके दिया जाता है, स्टेट पढ़ोगे तो स्टेट में पूरा का पूरा बिल्डिंग का प्रोसेस, मीन्स एकदम आपको विंड एनालिसिस को मैनुअल समझाया जाता है, सेस्मिक को मैनुअल समझाया जाता है, शेयर वॉल को मैनुअल, मीन्स जब आपको मैनुअल पता है ना तो सॉफ्टवेयर पर जो रिपोर्ट देगा आप उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो इसका पूरा प्रोसेस हमने दे रखा है आप लोगों के लिए। स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ईद मुबारक है, आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है, तो आप कोड यूज कर लीजिए ईद मुबारक और फटाफट ओनली 3000 रुपीज में लाइफ टाइम एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर विद स्टडी मटेरियल। कितना कुछ मिल रहा है, आप सोच रहे होंगे सर इसका तुमने कॉस्ट इतना कम क्यों रखा, अगर पूरा का पूरा प्रोसेस आपने दे रखा 260 घंटे का, कॉस्ट कम रखने का कई ढेर सारे रीजन है। एक रीजन तो यह है कि इस समय अभी भी लोगों के पास फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, मेरा जो एम है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचाऊं जो बच्चे अभी जॉबलेस हैं, क्योंकि जो जॉब वाले हैं वो तो कहीं से भी ले लेंगे, जो जॉबलेस हैं उनके पास पैसे का अरेंजमेंट कम से कम हो पाएगा तो वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। 6000 भी बहुत ही नॉमिनल फी है, आप सबको पता है मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी सर्विस को जितने कम कॉस्ट में दे पाऊँ, उतने कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दे पाऊँ। आप लोगों को अगर ये मेरा सराहनीय कार्य अच्छा लग रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताना, जिन बच्चों ने ऑल इन वन लिया वो लोग भी अपना फीडबैक शेयर करना कि हाँ सर मैंने लिया तो मुझे ये बेनिफिट हुआ। साथ ही साथ इसमें फ्री डाउट लेक्चर मिलता है डेली, आप आके यहाँ मेरे साथ यूनिक्स विल एप्लीकेशन पर 9 से 9:30 आप आके मेरे साथ बात कर सकते हो और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो पूछ सकते हो कि सर मैंने ये एनालिसिस किया, ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व होगी, आप वहाँ पर आके पूछ सकते हो। आप हमारे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो सकते हो। मेरी कोशिश ये है कि सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसमें जो लोग है उनको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, इसके लिए मैं जितना भी मेरा प्रयास हो सकता है वो मैं प्रयास आपके साथ शेयर करता हूं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, लोगों को समझ में आए कि यार एक ही ऑप्शन नहीं है कि केवल साइड पर खड़े होना है सुबह 9 बजे से रात को 9, 9:30, 11 बजे, 10 बजे तक, वही केवल ऑप्शन नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में प्लानिंग करके पैसे कमा सकते हो, एनालिसिस करके पैसे कमा सकते हो, मॉडलिंग करके पैसे कमा सकते हो, इन सब का कॉम्बिनेशन है ऑल इन वन। होप आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले जाइए यूनिक सिविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से कर लीजिए, और उसके बाद उसमें ऑल इन वन में जितने लेक्चर फ्री है उनको देखिए। वहां पर चैट बॉक्स है, मुझे मैसेज करिए कि सर मैं इसको कर रहा था, मुझे ये चीज का इश्यू आया, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अपने साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इसको लाइक करना, और साथ ही साथ अगर लाइक करने के साथ कमेंट करोगे तो हमें लगेगा कि हमारी जो मेहनत है, जो मैं लास्ट बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं, इसके लिए आप लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।